मुझे बचा लीजिए, वो राज की कार मेरी जान लेना चाहती है। गौर से देखिए अंदर कौन है। वो मेरी मौत है, मौत। कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। अमर अरे बाप रे, यहाँ तो कोई नहीं है। बिना ड्राइवर की चल रही है। अरे अरे, ये कार कंप्यूटर से चलती है क्या? नहीं। तो क्या रोबो चलाता है इसे? फंडा क्या है? टार्जन द वंडर कार मूवी सबने देखी है, और उसको देखने के बाद बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि टार्जन मूवी के अंदर जो कार बिना ड्राइवर के चल रही थी, हाँ वो मूवी के अंदर आत्मा चल रही थी, लेकिन क्या रियल लाइफ के अंदर, मतलब जब शूटिंग चल रहा था तब उस कार को कैसे चलाया था? क्या वो रिमोट कंट्रोल से चल रही थी, या फिर कोई ना कोई अंदर छुप के बैठा था, या फिर क्या टेक्निक को यूज किया गया था? और साथ साथ मूवी के एंड में जब कार पानी के ऊपर चल रही थी तो उसको कैसे चलाया गया था? उन सब रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हम इस वीडियो के अंदर। तो फिर जिसको भी जानना है ना, वीडियो एंड तक जरूर देखेगा, ठीक है? तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रोनी और आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में। तो देखो, टार्जन द वंडर कार बहुत ही मस्त मूवी थी, हम सबको पता है, बचपन से सबकी ड्रीम कार रही होगी, और ऑब्वियसली मेरी भी थी, ठीक है? हाँ क्यों ना हो, क्योंकि कार दिखने में ही ऐसी थी, बनाई ऐसी गई थी। उसके साथ साथ बहुत डर भी लगता था मूवी देखते वक्त कि भाई हमारी कार के अंदर भी अजय देवगन की आत्मा आ गई, तो भाई अजय देवगन मरे थोड़ी है कि उनकी आत्मा आएगी। मजाक से हटके बात करें कि कार को कैसे चलाया गया था, हाँ भाई अजय देवगन ही चला रहे थे, मतलब मूवी के अंदर उनकी आत्मा चल रही थी, लेकिन बिहाइंड द सीन बात करें, मूवी के अंदर जब शूटिंग चल रहा था तब कार को कैसे जलाया गया था, ठीक है? तो देखो, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैंने मूवी एकदम ध्यान से, एकदम बहुत ही प्रॉपरली देखी। जितने भी सीन्स थे जिसमें कार तो चल रही है लेकिन उसके अंदर कार चलाने वाला कोई बैठा नहीं है, ठीक है? तो वो सीन अगर आप ध्यान से देखते हो, बहुत सारे सीनों के अंदर पूरा का पूरा स्टीयरिंग नहीं दिखाया जाता, ठीक है? वो कार का स्टीयरिंग आधा यहाँ से कटा हुआ है, यहाँ इतना दिख रहा है, इतना पीओवी दिखा रहा है, या फिर उसके ऊपर का जो पार्ट है वहाँ से, मतलब पूरा पूरा स्टीयरिंग बहुत कम, मतलब मैंने देखा ध्यान से, जिनके एक ही और फिर दो सीन के अंदर ही वो स्टीयरिंग पूरा दिखता है, वो भी ऐसा पूरा मूवमेंट वाला नहीं दिखता। तो वहाँ पे इन लोगों ने ट्रिक यूज की है, तो आप छोटा सा ये क्लिप देख लो, एक प्रैंक वीडियो का क्लिप है। तो यहाँ पे सीट के अंदर ही एक ऐसा कवर, सीट कवर बनाया जाता है जिसके अंदर पूरा का पूरा इंसान बैठा हुआ होता है और वो दिखता भी नहीं है, ठीक है, किसी को। तो फिर 90% तो इसी ट्रिक को यूज किया गया है इस मूवी के बिहाइंड द सीन में शूट करने के लिए। और जैसे कि मैंने बताया, पूरा का पूरा जो स्टीयरिंग है वो पूरा का पूरा कैमरे में नहीं दिखता एकदम पूरा का। तो फिर इतना ट्रिक के साथ शूट किया गया उस पार्ट को, एक हाथ से स्टीयरिंग को मतलब ऐसे एडजस्ट करके चलाया जाता है। और ये जो सीन की बात कर रहा हूँ, ये जो सीनरी की बात कर रहा हूँ, वो तो कार मुर्दा हो गया तो उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब भी टार्जन कार एकदम स्ट्रेट अवे चलती है और तब नॉर्मल जो स्टीयरिंग दिखा जाता है। तो वो तो भाई आप कार के अंदर ऐसे ही बैठे हो और ऐसे ही नॉर्मली भी सीधा रास्ता है, आपका स्टीयरिंग छोड़ दोगे फिर भी कार सीधी चलती रहेगी, ठीक है? तो फिर ये ऑब्वियसली नॉर्मली शूट कर दिया गया क्योंकि भाई टार्जन सीधा चल रही है, तो यहाँ से कैमरा पकड़ के स्टीयरिंग को कुछ टाइम के लिए छोड़ दो तो वो नॉर्मल चलने लगेगा, ठीक है? और जब भी मूवमेंट की बात हो गई, टर्न की बात हो गई, तो जैसे कि मैंने ये वाला वीडियो दिखाया, तो वहाँ पे एक इंसान अंदर से बैठा होता है सीट कवर के पीछे और वो इस टाइप से चलाता है, ठीक है? और वो बहुत ही कार इतना फास्ट भी नहीं, धीमे धीमे चलती है अंदर से जब भी देखो तो इस तरह से ट्रिक को यूज किया गया था। बाकी रिमोट कंट्रोल वाला कॉन्सेप्ट उस टाइम पर उतना ज्यादा फेमस नहीं था और उतना अफोर्डेबल भी नहीं था एक मूवी के लिए ऐसी कार लाना, तो फिर इसलिए रिमोट कंट्रोल वाली बात बाजू में रख दो। और एक बात तो आपको भी पता है कि मूवी के अंदर भर भर के VFX का यूज किया गया, ठीक है? बहुत सारी जगहों पर कार छोटी करना हो गया, या फिर कार को जलना हो गया, या फिर बहुत सारी चीजों पर, तो बहुत सारे ऐसे स्टीयरिंग के मूवमेंट्स भी है जहाँ पर इन लोगों ने थोड़ा बहुत VFX का यूज भी किया होगा। ये मैं डेफिनेटली नहीं बता सकता, लेकिन मैंने जो बोला ना, ये टेक्निक का यूज करके कार को चला गया था रिमोट से नहीं, ठीक है? अब बात करते हैं दूसरे सवाल के ऊपर कि एंड में जब वो क्लाइमेक्स वाला सीन चल रहा था, अजय देवगन की आत्मा आती है और अपने लड़के को अंदर से निकाल के बाहर, मतलब ठीक है घर पानी के ऊपर चल रही है, बचपन में बहुत ज़्यादा फैंटेसी होती थी और भाई इतना देख के मजा आया था, लेकिन उसका भी ट्रिक होता है, ठीक है? तो देखो, आप बहुत सारे सीन्स को ध्यान से देखोगे, आपको पता चलेगा कि कार के टायर जो है वो मूव कर रहे हैं, लेकिन कार जो है वो मतलब ऐसे नहीं चल रही है, ठीक है? तो इसको बहुत ट्रिक से शूट किया जाता है। आप जब समंदर के किनारे चले जाओ, वहाँ पे कांच की प्लेट आती है, ठीक है? बहुत सारी ऐसे मजबूत कांच वाला, तो ऐसा बेस बना के आप उसके ऊपर कार रख सकते हो, थोड़ा सा मतलब अपने हिसाब से एडजस्ट करके कार के टायर चलते रहेंगे। आप कैमरे के मूवमेंट ही इस तरह से करो कि आपको ऐसा लगेगा कि भाई कार आगे बढ़ रही है। और बहुत सारे सीन्स जो भी जहाँ पे कार एक्चुअली आगे बढ़ रही है ऐसा लगता है हमको, वो समंदर की बहुत ज्यादा गहराई में शूट नहीं किया गया है, वो किनारे किनारे पे शूट किया गया है। तो वहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ नीचे ऐसा रख दिया गया होगा, ऊपर से कार रख दी गई होगी या फिर कार का प्रोटोटाइप, और उसको फिर नाव से खींचा हो गया या फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज से खींच के इतना शूट किया गया, ठीक है? तो कहने का मतलब टार्जन द वंडर कार मूवी के अंदर
जो रिमोट कंट्रोल मतलब जो आत्मा चलाती है कार और साथ में एंड वाला जो सीन है, उन सब सीन को बहुत ज़्यादा ट्रिक के साथ बहुत ज़्यादा दिमाग दौड़ा के शूट किया गया है, और इस तरह से शूट किया गया है, इस तरह से एडिट किया गया है, इस तरह से VFX का यूज़ किया गया है कहीं ना कहीं पर, कि हमको फाइनली ऑडियंस को कन्विंस करता है कि कार जो है वो आत्मा चल रही है या फिर रिमोट से चल रही है, ठीक है, और एंड में पानी के ऊपर चल रही है। तो मैंने जितनी रिसर्च की, मुझे जितना पता चला, उस हिसाब से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, बता दिया कि टार्ज़न द वंडर कार मूवी के अंदर कार बिना ड्राइवर के कैसे चल रही थी, तो वो कुछ ऐसे चल रही थी, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको पता चल गया कि टार्ज़न मूवी के अंदर कार कैसे चली थी, लेकिन क्या आपको पता है कि SS राजामौली की जो मूवी है मक्खी, उसके अंदर मक्खी का जो स्लो मोशन वाला कॉन्सेप्ट है ना, और रियल लाइफ के अंदर भी मक्खी और मच्छर को हम मार नहीं सकते, मच्छर तो खैर मर जाते हैं लेकिन मक्खी को मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। तो उसके पीछे एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है जिसको बोलते हैं मक्खी का स्लो मोशन कॉन्सेप्ट, जिसको आप मेरे ये वाले वीडियो में चेकआउट कर सकते हो। आपने मक्खी मूवी देखी है तो फिर आपको ये वाला वीडियो जरूर देखना चाहिए, आपका दिमाग घूम जाएगा इस कॉन्सेप्ट को सुनने के बाद। वीडियो यहाँ पे दिख रहा है, आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी लाइक कमेंट शेयर वाला मामला आपके ऊपर छोड़ा, अगर इच्छा हो तो कर देना, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर देना, ऐसे ही अनगिनत रहस्यों को फ्यूचर में सुलझाने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग रोनी ऑफिशियल।